हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट फोर्थ की जो है इंग्लिश। तो ये हमारा रह गया था और ये जो है काफी बड़ा जो है दूसरा जो वीडियो था वो काफी बड़ा हो गया था, तो हम इसको सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और इसी के हिसाब से जो 91 से 95 यानी कि 5 क्वेश्चन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली पैसेज बेस पे ही आने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले देखिए इसमें पैसेज के हिसाब से पूछ रखा है बट वाइज लिटरली लाइफ मोस्टली एन अनहैप्पी वन। तो जो लिटरली लाइफ होती है ये हम ज्यादातर जो है एक अनहैप्पी क्यों होती है, बिकॉज अ जीनियस सफर्स द पेनल्टी ऑफ जीनियस एंड अ टैलेंटेड पर्सन इज फुल ऑफ केयर्स एंड वरीज। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर जो है इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए व्हाट आर द ऑर्डल्स अवेटिंग द यंग ऑर्थर फ्रॉम हिज क्रिटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, ही हैज टू रन द गैनल्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा व्हाट एटीट्यूड शुड एन ऑथर अडॉप्ट इन द फेस ऑफ बिटर क्रिटिसिज्म। तो इसका आंसर है हमारा डी, ही शुड टेक द क्रिटिसिज्म इन द फेस एंड गो हिज वे अनहीटिंग। ये हमारा जो डी आंसर है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। द अटैक ऑफ गिफोर्ड एंड टेरी, तो यहाँ पे एक्सपीडिटेड द डेथ ऑफ किड्स, ये जो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो द अबव पैसेज इन द फॉर्म ऑफ, तो जो ये पैसेज है किसकी फॉर्म में था, ये एक एडवाइस की फॉर्म में था, तो हमारा जो सी आंसर है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ से 91 से 95 तक जो हमारे क्वेश्चन थे ये पैसेज पे बेस्ड थे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे मिक्स होगा लिटरेचर और ग्रामर दोनों आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस, ये इज अ लाइन फ्रॉम, ये किस की लाइन है। तो ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो एक फायर एंड आइस है उसकी लाइन है, ये फेमस लाइन किसकी है, ये फायर एंड आइस की जो चैप्टर की लाइन है। इसके बाद देखिए टू जेंटलमैन ऑफ वरोना बाय एजे क्रोनिन, ये जो एजे क्रोनिन है इनका एक जो है वर्क है टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, वो उस किसके बारे में, वो है रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज सो दैट दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर अफ्लिक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे दो नौजवान लड़कों के बारे में है जो कि बाहर काम करते हैं अपनी बहन का जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको ठीक करने के लिए। तो आपको नेक्स्ट बताना है चूज द वर्ड दैट इज, तो हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा इसका। तो पीपल टेंड्स टू अवॉइड लुक्वेश पीपल, तो लुक्वेश का मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो हमें इसका जो है एंटोनिम बताना है यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो वो होगा रेटिसेंट। तो रेटिसेंट इसका करेक्ट आंसर है। तो इन हिज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवलॉग विक्रम सेठ रिकाउंट हिज विजिट टू सेक्रेट प्लेसेस इन काठमांडू दे आर। तो ये जो है हेवन लेक जो है एक वर्क है विक्रम, जो उसमें एक ट्रैवलर होता है विक्रम सेठ, वो अपनी कहाँ कहाँ के वो जो है काठमांडू में दो जगह की बात जो है रिकाउंट करता है यानी कि उसको याद आती है काठमांडू में दो जगह, वो कौन कौन सी थी, वो थी हमारी यहाँ पे पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ। तो यहाँ पे ये दोनों जगह जो थी ये उसको रिकाउंट होती है यानी कि याद आती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस। वंस देयर वॉज अ वाइल्ड हॉर्स, इट वॉज स्नोई वाइट विद अ लॉन्ग फ्लोइंग मेन द हॉर्स, क्योंकि हम यहाँ पे अब इसी हॉर्स की बात करें तो द हॉर्स कुड समटाइम्स बी सीन इन द लेट आफ्टरनून जस्ट बिफोर द सन वेंट डाउन देन इट वुड डिसअपीयर इन टू अ डार्क रॉकी केव। तो हमारा जो ये सी आंसर है ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड्स मैच द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं, तो आपने जो है मैच करना है कौन सा जो वर्ड है वो किसका है। तो ये देखिए ये है हमारा साइसेनरी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड यानी कि डिसीट, ठीक है। इसके बाद देखिए डिलीट्रिस, तो डिलीट्रिस का मतलब मैंने जो है देखिए कोई चीज को हम डिलीट करना चाहते हैं यानी कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं यानी कि हार्मफुल लगा देते हैं हम उसको। जे जून, जून से ले सकते हैं, जून में बहुत सारी धूप पड़ती है तो चीजें डल हो जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डल। इसके बाद देखिए ट्राउंस, ये मैंने इस तरह से लिया है कि टेरेंस लुइस जो कि एक बहुत अच्छे डांसर है उनको डांस में कोई जो है डिफीट नहीं कर सकता, इसका आंसर हो जाएगा डिफीट। तो इस तरह से आप कुछ इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आ रोंडल इज अ 13-line वर्स फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ, जो एक रोंडल होता है वो 13-line वर्स होती है। सो उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं टू क्वाड्रेंट्स और एक
क्विंटेट क्या होता है, उसमें 13 लाइन जो वर्ड्स होती हैं उसमें 2 क्वाट्रेंट्स और एक जो है उसमें क्वाट्रेंट होता है. ओ टू द वेस्ट माइंड इज द मोस्ट नोट वर्दी एग्जाम्पल ऑफ ये ट्रेजर रिम. जो ओ टू द वाइंड है, ओ टू द वेस्ट माइंड है, वो जो है किसका एग्जाम्पल है, वो है ट्रेजर रिमा का जो है एग्जाम्पल है. सो इन हिज एसे द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, सो जो अमर्त्य सेन का जो एसे है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, वो किस पे बेस है, वो है आर्ग्यू दैट इन इंडिया देयर हैज बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ आइडियाज थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग्स. यानी कि इन ये किस पे बेस है, कि इस पे बेस है कि इंडिया में ये जो है एक ट्रेडिशन है कि जो सच है या ये जो सच्चाई है उसको जो है क्वेश्चन किया ही जाता है डिस्कशंस के द्वारा, डायलॉग्स के द्वारा. तो ये जो है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, इंडियन का जो जो थीम है वो इस पे बेस है. अ डैश इज वन हु हेट्स ऑल वुमेन, यानी कि वो जो हर औरत को नफरत करता है उसको बोलते हैं हम मिजोगाइनिस्ट. जो हर औरत से नफरत करता है हम उसको बोलते हैं मिजोगाइनिस्ट. उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है यानी कि गलत है, वो है हमारा थर्ड दैट इज लेसन. उसके बाद देखिए, द फेमस लाइन मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी कि जो मैन है वो ऐसा क्रिएचर सिर्फ वो जो अपने बारे में सोचता है. तो ये किसका है, मतलब कि किस की जो है फेमस लाइन है, तो ये जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल्स फार्म की फेमस लाइन है, यानी एनिमल फार्म से जो है ये लाइनें ली गई हैं. इसके बाद देखिए, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज बीइंग यूज्ड इन दीज लाइन, इनमें से जो है इसमें कौन सी जो है लाइन यूज करी हुई. तो देखिए, अर्थ फेल्ट द माउंड एंड नेचर फ्रॉम हर सीट. ये जो आप देख सकते हैं अर्थ फेल्ट द माउंड, तो यहाँ पे बहुत जो है बताया गया कि अर्थ ने महसूस किया. तो हम जानते हैं अर्थ तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो तो महसूस नहीं कर सकती. तो जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग से इमोशंस डाल देते हैं लिविंग थिंग्स वाले, तो हम उसमें जो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम किस से बताते हैं कि वो कौन सा डिवाइस है, तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन में जो है हम एक नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग की क्वालिटीज डाल देते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे अर्थ जो है एक नॉन लिविंग थिंग है और उसमें हम लिविंग वाली जो है क्वालिटीज की बात करें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन. इसके बाद देखिए, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ ऑस्टेर, तो यहाँ पे हमें क्लोजेस्ट यानी कि इसके आसपास कौन सा वर्ड आ सकता है, यानी कि सेम तो नहीं लेकिन हाँ इसके आसपास हो, तो वो स्टर्न जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा. इसके बाद देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कोट्स गिवन बिलो मैच द फर्स्ट लाइन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देयर पॉइंट्स, यानी कि हमें पोएम के साथ पॉइंट का जो है बताना है कि कौन सी पोएम जो है किस पॉइंट ने लिखी थी. तो आप देखिए, ये जरूरी नहीं कि सारी पोएम सबको याद हो, लेकिन अगर आपको इसमें से किसी भी एक की भी आती है तो आप कम से कम एक से अंदाजा लगा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मुझे सबसे पहली वाली पोएम जो है, टेस्ट बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, तो ये जो है हमारी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो है पोयम है. तो यहाँ पे अगर आपको एक पता है यानी कि तो आप थोड़ा अंदाजा लगा लगा के जो है इसको कर सकते हैं. तो ये जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कही है, टू रोड डाइवर्जेंट इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, इसका आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है पोयम है ये. इसकी बात देखिए, हमारा एट 20 आई टायर्ड आई ट्राई टू डाई एंड गेट बैक टू यू, सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये सेकंड. इसके बाद देखिए, ट्रेड सॉफ्टली बिकॉज यू ट्रेड ऑन माय ड्रीम्स, इसका हो जाएगा WB येस. तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा. तो इसका फर्स्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा. इसके बाद देखिए, 111 का जो है, क्वीन गर्ट्रूड इन वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स प्ले इन द इज द मदर ऑफ, तो हैमलेट की मदर का नाम जो था जो हमारा शेक्सपियर प्ले था विलियम शेक्सपियर, उसमें जो हैमलेट की मदर थी उसका नाम था क्वीन गर्ट्रूड. ठीक है, इसके बाद देखिए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय, यानी कि ये जो बुक है ये किसने लिखी हुई थी, यानी कि सॉरी बुक कह रही हूँ, ये जो वर्क है ये किसका है, ये वर्क है हमारा लुईस फिशर का, उन्होंने लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. नेक्स्ट देखिए, द नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2018 वॉज गिवन टू, ये हमेशा आता है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. ये क्वेश्चन जरूर आता है कि नोबल प्राइज जो है लिटरेचर में किसको दिया था. ये 2019 का पेपर है तो 2018 का भी पूछ लेता है, इससे पहले का भी पूछ सकता है. तो इनमें से किसी को भी जो है नहीं दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज. इसके बाद देखिए,
टू कंपोज और थिंक अपॉन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसको हम कहते हैं इम्प्रोवाइज। जब हम जो है किसी मोमेंट के बारे में सोचते हैं या कंपोज करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज। तो द फ्रेज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आपने देखा अगर कोई फ्लाई जो है यानी कि कोई मक्खी जो है किसी ऑइंटमेंट यानी कि किसी मलहम में फंस जाए तो क्या होगी, यानी कि वो उसमें फंस जाती है, इसका होगा अ स्नैग इन अ सिचुएशन, यानी कि किसी समस्या में या किसी मुश्किल में या फिर किसी उसमें पचड़े में फंस जाना। हु डज अमिताव घोष राइट अबाउट इन द घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, तो ये यहाँ पे लिखा गया था शाहिद अली के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर जो हमारा सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन, तो हमें बताना है इसमें कौन सा जो है डिवाइस जो है यूज हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्राइकन थ्री, तो ये बहुत पहले की बात कर रहा है यहाँ पे, उस टाइम पे जो है क्लॉक्स नहीं होती थी। तो जब हम किसी पहले पास्ट में बीती हुई चीज के बारे में बात करते हैं और वो वहां पे नहीं हुई थी तो हम कौन सा जो है जो कौन सी डिवाइस यानी कि लिटरेरी डिवाइस वहां पे यूज करते हैं वो है एनक्रोनिज्म। एनक्रोनिज्म जो है हम यूज करते हैं जहां पे हम पास्ट से पास्ट की कोई बात करते हैं और वो चीज पास्ट में हुई ही ना हो। ठीक है, तो ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप्स इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ, यानी कि किसकी ओपनिंग लाइन्स है, ये कौन सी पोएम को किस वर्क की ओपनिंग लाइन्स है, तो ये है पीटर पैन बाय जेम्स बैरी। तो ये ओपनिंग लाइन्स जो है हमारी पीटर पैन की जो थी, जेम्स बैरी का जो वर्क था पीटर पैन उससे ली गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फॉल्कनर एज आई ले डाइंग टी एस इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रकफोग एंड टोनी मॉरिसन बिलव्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच लिटरेरी टेक्निक, तो ये कौन सी टेक्निक के थे, ये थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑप्शन प्रोवाइडेड, आफ्टर डिलेड डिटेल्ड डिस्कशन वी केम टू द कंक्लूजन दैट देर वॉज नो नेसेसरी there is no necessity of fencing the garden। ठीक है, तो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द अप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है मॉडल सही, मॉडल की जो मीनिंग है वो सही रहेगा। इट मस्ट बी हार्ड टू वर्क 60 आवर्स अ वीक, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मस्ट का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नेसेसिटी का मतलब हो जाता है जरूरत, यानी कि वो उसको जरूरत ही है काम करने की। पॉसिबिलिटी यानी कि हो भी सकता है। इंटेंशन यानी कि उसका उसका मतलब खुद का मन था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय द नोबल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो, तो इसमें से जो है हमारा जो पेल फायर है ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया, तो डी जो आंसर हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट बाय डी एच लॉरेंस, तो यहाँ पे पावर एंड ग्लोरी ये आपने ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे नोट लिखा है, तो डी एच लॉरेंस के डी एच लॉरेंस ने जो है ये वाला नॉवल नहीं लिखा है, पावर एंड ग्लोरी उनका नॉवल नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसके बाद बात करते हैं द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप वर वर्क्स टू नाइट मेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आर केम कम राउंड एट लास्ट स्लोचिस टुवर्ड्स बेथिलियम टू बी बोर्न, दीज आर द लास्ट लाइन द पोएम डब्ल्यू बी बीस्ट, तो आपको बताना है ये कौन सी पोएम की जो लास्ट लाइन है डब्ल्यू बीस्ट की, तो ये जो है सेकेंड कमिंग जो हमारा वर्क था उसकी लास्ट। तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीरो इन आर के नारायण्स गाइड, तो आर के नारायण का जो वर्क था गाइड उसमें हीरो का नाम लिया था, उसका नाम था राजू, तो राजू उस हीरो का नाम था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद दे स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो कमिंग का जो है यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हम जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और उसको जो हम एज अ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको जो है एज अ वर्ब की तरह यूज किया हुआ है, एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए, विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोड्स मैच द बिगिनिंग ऑफ ईच आइडियम विद देयर इट्स एंडिंग, तो आपने जो है एंडिंग बिगिनिंग को एंडिंग के साथ मैच करना है आइडियम, तो देखिए आपने टू मूव का हो जाएगा हेवन एंड अर्थ,
टू प्ले का हो जाएगा डक एंड ब्रेक्स, टू पुट का हो जाएगा आ स्पोक इन द व्हील, और टू टेक का हो जाएगा द बुल बाय द हॉर्न्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। आई कुड डू दिस फॉर एवर इज एन एग्जाम्पल, यानी कि मैं इसको हमेशा के लिए कर सकता हूँ, हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए तो कोई भी किसी काम को नहीं कर सकता ना, जब हम किसी बात को बढ़ चढ़ के बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। तो ये एग्जाम्पल किसका है, हाइपरबोल का है, ठीक है। इसके बाद देखिए, द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th कोर कोर्सेज टाइटल, मतलब जो क्लास 12 की कोर्स है वो क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है फ्लेमिंगो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 129 का सी। इसके बाद देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चौसर, तो कौन सी नहीं लिखी है, सॉरी हाँ नोट लिखा हुआ है, तो कौन सी नहीं लिखी है, तो द रेगिमेंट ऑफ प्रिंसेस जो है उन्होंने नहीं लिखी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है आपने। तो ये देखिए, सारे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स और हाउसेज एंड ड्राइव्स और मशीनरी, ये सारे जो सेंटेंस है ये हमारे जो है यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रूथ है, मतलब ये जो सबको पता है वो सारी चीजें हैं। लेकिन वाटर चेंज इनटू आइस व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 32, ये एक नॉन आप कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है, जैसे कि सन जो है ईस्ट से निकलता है, या फिर हम कहते हैं कि सर्दियों में जो है ठंड पड़ती है, ये सारी चीजें जो वेल नोन है, ये एक वेल नोन थिंग नहीं है। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द हार्लेम रेनेसांस, तो इसका जो है आंसर बी हो जाएगा, लैंगटन ह्यूग्स। इसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट चॉइस ऑफ द प्रीपोजिशन, तो आपने बताना है कि इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो द लास्ट डिकेड हैज अपसेट मेनी प्रीकंसेप्शंस अबाउट डेवलपमेंट एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी ओवरली डिफाइन अबाउट व्हाट द नेक्स्ट डिकेड हैज इन स्टोर। वर्चुअली एवरी केस ऑफ सक्सेसफुल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ प्रायर इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी एंड एक्सेस टू प्रोडक्टिव वर्क, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द फेमस पोइम, टेनिसन की जो फेमस पोइम थी उसकी जो सेंट्रल जो है थीम क्या थी, परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसकी सेंट्रल थीम मतलब किसकी थी, ये थी हमारी सी। इसके बाद देखिए, कोड्स के हिसाब से जो है आपको बताना है पोएम्स जो है किसको रेफर करती है, तो हमारा एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये किसको रेफर करती है, ये हमारी रेफर करती है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद देखिए, एंड सॉरी फॉर द रेन्स इन रेनीथ एवरी डे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12th नाइट। वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइक एंग्लो, इसका आंसर हमारा हो जाएगा द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड, और नेवर मोर का आंसर हो जाएगा द रेवन। इसके बाद देखिए, द एक्सपीरियंस दैट अशोका मित्रन नरेट्स इन द बुक माई ईस्ट विद बोस रिलेट टू, ये किससे रिलेट करती थी, वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियो चेन्नई, ये 12th क्लास की बुक का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ एब्सर्ड प्ले, तो जॉन ऑसबोर्न जो थे वो नहीं थे एब्सर्ड प्ले के राइटर। इसके बाद देखिए, जो आंट जेनिफर टाइगर इज अ पोएम बाय एंड्रीनी रिच अबाउट, वो किसके बारे में थी, आंट जेनिफर टाइगर ये किसके बारे में थी, ये थी मैरिज के बारे में, तो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिज लाइफ इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ड विद टू स्लेबिंग सिलेबल्स, तो हमें नॉलेज जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वन इज नॉट बोर्न अ वुमन, नो वन बिकम्स वन इज अ व्यू प्रपोज बाय, ये जो था हमारा सिमोन डी बिवेयर का जो है व्यू था ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो हमें बताना है इसमें पैसिव फॉर्म जो है कौन सी होगी। इट इज सेड दैट दे नो इट, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीबडी सेज दैट इट इज नोन टू देम। इसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट स्टार्ट्स रेनिंग। इसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज बताना आपने, तो इसमें वेन एवर दे लाइक जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपने बताना है, द फैक्ट इज दैट नॉट इन दैट द फैक्ट इज दैट, इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 144 का डी।
इसके बाद देखिए मीराबेल एंड मिलामेंट आर करेक्टर्स फ्रॉम, ये किसके करेक्टर्स थे, तो ये करेक्टर्स थे द वे ऑफ द वर्ल्ड, कोनग्री वाले के द वे ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें बताना है आपने कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है यहाँ पे ही आस्क हिज सर्वेंट नॉट टू स्पॉइल द कार्पेट। इसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ द इंडियन डियास्पोरा, तो ये शोभा डे जो थी हमारी इंडियन राइटर नहीं थी उसकी। इसके बाद देखिए मार्कस नेटन सेज इन हिज पॉइंट चाइल्डहुड दैट हिज स्टेज ऑफ लाइफ इज, कैसी थी उसकी स्टेज ऑफ लाइफ, हिडन इन एन इन्फेंट फेस, ठीक है। आई एम वन हु लव नॉट वाइजली बट टू वेल इज अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर, ये शेक्सपियर के कौन से प्ले की थी, ये थी ओथेलियो की। इसके बाद देखिए डैश इज अ फीलिंग ऑफ लिस्टलेस वरीनेस रिजल्टिंग फ्रॉम सेटाइटी बोर्डम ऑफ इनएक्टिविटी, ये थी इनवाई। तो इसके साथ जो हमारे यहाँ पे पेपर खत्म हो जाता है, तो 2019 का यहाँ पे हमने कंप्लीट पेपर खत्म कर दिया है। तो कुछ इस तरह का जो इंग्लिश का पेपर आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।